हेलो एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू मैटर अराउंड द अर्थ पार्ट 5 व्हिच आर रिलेटेड टू क्लास 9। डियर स्टूडेंट, हम लोग पिछले वीडियो में चेंजिंग स्टेट्स ऑफ मैटर के अंतर्गत दो तरह के प्रभावों के बारे में जाना, इफेक्ट्स ऑफ टेंपरेचर इन चेंजिंग स्टेट्स ऑफ मैटर और इफेक्ट्स ऑफ प्रेशर इन चेंजिंग स्टेट्स ऑफ मैटर। कहने का मतलब है पदार्थ के दशा परिवर्तन में, पदार्थ के अवस्था परिवर्तन में टेम्परेचर का क्या योगदान है और पदार्थ की अवस्थाओं को चेंज करने में प्रेशर का क्या योगदान है। इस दोनों टॉपिक के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले पिछले वीडियो में इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर इन चेंजिंग स्टेट्स ऑफ मैटर देखे थे, जिसमें हमने बॉइलिंग पॉइंट को देखा, बॉइलिंग प्रोसेस को देखा, मेल्टिंग प्रोसेस को देखा एंड इट्स मेल्टिंग पॉइंट को देखा। कहने का मतलब है चार पॉइंट्स को हमने डील किया था, जिसमें हमारा एक था मेल्टिंग और फ्यूजन, जिसको हम गलनांक या द्रवणांक कहते हैं, और हमारा दूसरा जो था वो था बॉइलिंग और वेपराइजेशन, जिसको हम वाष्पीकरण या उबालना कहते हैं। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए दो तीन नए पॉइंट्स को डील करेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग टेम्परेचर के अंतर्गत ही हम लोग दो तीन अलग से पॉइंट्स को डील करेंगे और बारीकी से उसको सीखना है। इस इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर इन चेंजिंग स्टेट्स ऑफ मैटर के अंतर्गत हम लोग दो तीन पॉइंट देखेंगे। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और दूसरा देखना है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और एक तीसरा पॉइंट है हमारा सबलिमेशन। डियर स्टूडेंट, यहाँ ये तीन पॉइंट्स हैं जिसे हमें आज डील करना है। इसमें पहला है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसको हिंदी में कहा जाता है गलन या द्रवण की गुप्त ऊष्मा, और हमारा दूसरा जो है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, यहाँ वेपराइजेशन से मतलब है वाष्पीकरण, लेटेंट हीट ऑफ मीन्स वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। दोनों लेटेंट हीट ही है, गुप्त है, गुप्त से मतलब है यहाँ हिडन, छुपा हुआ, जो हमारे सामने में अदृश्य है वो हमें दिखाई नहीं देता है। और हमारा तीसरा टर्म जो है सबलिमेशन है, जिसे हम हिंदी में ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। तीनों का तीनों ही साइंटिफिक प्रोसेसेस हैं और बहुत सारे क्रियाकलाप हम इसके थ्रू कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को। पहला हमारा जो पॉइंट होगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इन सॉलिड मटेरियल्स, ठोस के गलन की गुप्त ऊष्मा। चूंकि हमने पिछले क्रियाकलाप में देखा जो सॉलिड से ही जब आवश्यकता अनुसार उसे काइनेटिक रिक्वायर्ड काइनेटिक एनर्जी मिलती है, इन दैट केस इट चेंजेज इट्स स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, अगेन काइनेटिक एनर्जी को हम क्या कर देते हैं और भी इंक्रीज कर दिए, तो फिर वो लिक्विड मटेरियल भी टूट करके किस में कन्वर्ट हो जाता है? वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो आज हम उसी सब से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स पर हम लोग चर्चा करेंगे। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम चलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इन सॉलिड मटेरियल्स में। डियर स्टूडेंट, इसके लिए हम लोग एक बीकर लेंगे। इस बीकर में कुछ सॉलिड आइस पार्टिकल्स को डाल दें। सॉलिड आइस
ये आपका सॉलिड आइस है, स्टैंड के सहारे या हाथ से ही पकड़ के एक एक थर्मोमीटर इसमें डाल देंगे। ये आपका थर्मामीटर है। डियर स्टूडेंट, जैसा हम लोगों ने पिछले पॉइंट्स को डील करते समय देखा था, सॉलिड का जो है मेल्टिंग और मेल्टिंग पॉइंट कितना माना जाता है और फ्रीजिंग पॉइंट 0°C। तो अवश्य ही जब आप इस सॉलिड पार्टिकल्स को, जिसे हम सॉलिड आइस कह सकते हैं, जब हम थर्मामीटर लगाएंगे तो ये अपने एग्जैक्ट टेम्परेचर को शो करना क्या कर देगा, शुरू कर देता है। अब रही बात, जब हम इस सॉलिड आइस को थोड़ा सा हीट देना क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे। जब इसे हम हीट करना शुरू करेंगे, हमें सुखद आश्चर्य होगा कि टेम्परेचर फिर भी कितना शो कर रहा है, 0°C। बट ये अपने स्वरूप, अपने शेप स्ट्रक्चर को क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है, और ये बदल जाता है किसमें, लिक्विड। कहने का मतलब है ये सब सॉलिड आइस पार्टिकल से टूट करके किसमें कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड पार्टिकल्स में। कब, आफ्टर गेटिंग हीट। ये हीट ही इसमें काइनेटिक एनर्जी प्रदान करता है। यहां काइनेटिक एनर्जी से मतलब है गतिज ऊर्जा से मतलब। जब जब आप इस बीकर को हीट देंगे तो ये हीट लेगा और इस हीट को, टेम्परेचर को किसमें बदल देता है, काइनेटिक एनर्जी में, जिसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। और इस गतिज ऊर्जा और मॉलिकुलर बॉन्डेशन के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। व्हेन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज मॉलिकुलर बॉन्डेशन amongst the particles decreases। इस फैक्ट्स को हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। When kinetic energy increases, molecular bondation amongst the solid particles decreases। स्वाभाविक रूप से जब हम kinetic energy देंगे इस solid ice को, तो इस मॉलिकुलर बॉन्डेशन मींस आइस पार्टिकल्स के बीच का जो गठबंधन है, एक दूसरे से क्लोजली पैकिंग जो है, इस पैकिंग को ये काइनेटिक एनर्जी क्या कर देगा, तोड़ देता है। और ये तोड़ता है और सहसा हमारा वो सॉलिड आइस पार्टिकल्स किसमें कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड पार्टिकल्स में। अब यहां जो मॉलिकुलर बॉन्डेशन है अमंगस्ट द पार्टिकल, और यहां जो मॉलिकुलर बॉन्डेशन है, यहां ये मॉलिकुलर बॉन्डेशन लूज कर चुका है, यहां पर मॉलिकुलर बॉन्डेशन लूज नहीं किया हुआ है बल्कि क्लोजली पैक्ड है। और इस पैकिंग को तोड़ने के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया, हीट। और ये हीट किस फॉर्म में मौजूद है, तो ये काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मौजूद है। यही काइनेटिक एनर्जी इस सॉलिड पार्टिकल्स के बीच के अट्रैक्शन को क्या कर देता है, तोड़ देता है। और ये जब ये पार्टिकल्स टूट जाते हैं तो एकदम से फ्री हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, फ्री। और जैसे ही फ्री हुए तो ये बदल जाता है किस स्टेट में, लिक्विड स्टेट, द्रवीभूत अवस्था में। यहाँ आपका जो है ठोस अवस्था है, और यही ठोस अवस्था आफ्टर गेटिंग रिक्वायर्ड टेम्परेचर इट चेंजेज इट्स कंडीशन एंड रिसीव्स लिक्विड स्टेट, और ये पुनः अपने द्रवीभूत अवस्था को प्राप्त कर लेता है। एक यहाँ क्वेश्चन राइज हो रहा है, जो टेम्परेचर देने के बाद भी थर्मामीटर जो है आपका वह 0°C ही शो कर रहा है, लेकिन इसका स्वरूप जो सॉलिड है किसमें कन्वर्ट कर जाता है, लिक्विड स्टेट में। डियर स्टूडेंट, अब यहाँ एक अच्छा क्वेश्चन राइज हो रहा है, जो टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट आफ्टर गेटिंग हीट, टेम्परेचर अचर है, तो फिर ये कैसे चेंज कर गया, कैसे इसका मॉलिकुलर अट्रैक्शन जो है खत्म हो गया।
डियर स्टूडेंट, तो हम यहां कहेंगे रिमेन, उसका टेम्परेचर तो कांस्टेंट है गर्म करने के बावजूद भी, लेकिन जो भी हीट डाला गया सो सिर्फ इस आइस पार्टिकल्स के बीच के बाउंडेशन को तोड़ने में खर्चा किया गया। ये जो आप काइनेटिक एनर्जी देख रहे हैं, स्वाभाविक सी बात है जब हम गर्म करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा कि घटेगा, स्वाभाविक रूप से नेचुरली टेम्परेचर जब हीट लेने के बाद टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन यहाँ टेम्परेचर आपका शो कितना कर रहा है, 0°C, मतलब आइस पार्टिकल्स का जो फ्रीजिंग स्टेट होता है वही शो कर रहा है, हीट लेने के बाद भी 0°C ही वो शो कर रहा है। तो फिर ये हीट गया कहां, क्योंकि हीट देने के बाद तो उसका टेम्परेचर राइज करना चाहिए था, लेकिन वो टेम्परेचर इस मॉलिक्यूल्स के बीच का टेम्परेचर राइज नहीं कर रहा बल्कि रिमेन कॉन्स्टेंट है, लेकिन ये अपने स्टेट को क्या कर लेता है, बदल लेता है। कहने का मतलब है यहां हम ये समझेंगे कि जो भी आवश्यक हीट इसको प्रदान किया गया वो इसके टेम्परेचर पर किसी तरह का प्रभाव नहीं डाला, बल्कि इसके बीच का जो मॉलिकुलर अट्रैक्शन था उस मॉलिकुलर अट्रैक्शन को इस हीट ने क्या कर दिया, तोड़ दिया, लूज कर दिया। और जैसे ही ये मॉलिकुलर अट्रैक्शन अमंगस्ट द सॉलिड पार्टिकल्स वीक होगा, साथ ही वो अपना स्वरूप किसमें बदल लेता है, लिक्विड स्टेट्स ऑफ मैटर में बदल लेता है। डियर स्टूडेंट, यही हीट जो आपका है वो लेटेंट हीट कहलाता है, और चूंकि ये सॉलिड पार्टिकल्स के लिए स्पेशलाइज्ड है सो सच प्रोसेस इज रेफर्ड एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इन सॉलिड मटेरियल्स, और इसे ही हम ठोस पदार्थों के गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। क्यों, क्योंकि ऊष्मा डालने के बाद टेम्परेचर राइज करना चाहिए था, लेकिन टेम्परेचर आपका रिमेन कॉन्स्टेंट है 0°C पर, तो फिर हमने जो टेम्परेचर डाला, जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर था, वो टेम्परेचर कहाँ गया, वो सारा का सारा टेम्परेचर सिर्फ मॉलिकुलर बाउंडेशन को तोड़ने में खर्चा हो गया, हर एक मॉलिक्यूल्स को तोड़ा ये हीट जा करके, और जैसे ही ये अट्रैक्शन खत्म हुआ ये सॉलिड किसमें कन्वर्ट कर गया, लिक्विड में, जिसको हम वाटर कहते हैं, क्या कहते हैं, वाटर। और ये पूरा का पूरा प्रोसेस लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इन सॉलिड मटेरियल्स कहलाता है। चलें अब हम इसको डिफाइन करते हैं, क्या होगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का डिफिनिशन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि द अमाउंट ऑफ हीट required to convert 1 kg of solid ice into liquid at its melting point is termed as latent heat of fusion. Latent heat of fusion. The amount of heat, आपने हीट डाला, हीट जो कि काइनेटिक एनर्जी के रूप में जा रहा है, which required to convert 1 kg of solid ice, और हमने इसको assume किया जो इस beaker में 1 kg solid ice particles है, into liquid at its melting point, और डियर स्टूडेंट हम जानते हैं कि बर्फ का गलनांक और बर्फ का वो क्या कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, दोनों का दोनों 0°C ही होता है। कहने का मतलब है जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट है वही मेल्टिंग भी होता है, मतलब इसी 0°C पर लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट कर जाता है, और इसी 0°C पर सॉलिड किसमें कन्वर्ट कर जाता है, लिक्विड में। फ्रॉम 0°C टू 25°C इज रेफर्ड एज रूम टेम्परेचर, और ये 0 से 25°C तक अपने नेचुरल स्टेट लिक्विड स्टेट में रहेगा, जो हमारी पृथ्वी की विशेषता होती है। अब रही बात इस सॉलिड और लिक्विड में, मीन्स फ्रीजिंग और मेल्टिंग में कहां पर
काइनेटिक एनर्जी और कहां पर ऊर्जा सर्वशक्तिमान रहता है। डियर स्टूडेंट, जब सॉलिड और लिक्विड इन दो तरह के स्टेट्स ऑफ मैटर की चर्चा करेंगे तो सॉलिड के बनिस्पत लिक्विड मटेरियल्स पर काइनेटिक एनर्जी का प्रभाव ज्यादा देर तक रहता है, लेकिन वैसा सॉलिड आइस पर काइनेटिक एनर्जी का प्रभाव नहीं रह पाता है। तो हम ऐसा ध्यान करके रखेंगे कि इन ईच एंड एवरी केसेस सॉलिड आइस हैज लेस काइनेटिक एनर्जी इन कंपैरिजन विथ लिक्विड मटेरियल्स। तो ये था आपका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इन सॉलिड मटेरियल्स। अब हम अगला जो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे वो आपका है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इन लिक्विड्स। तो चलें अब हम उस टॉपिक को डिटेल करते हैं। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन अब हम जिस पॉइंट को डिटेल करेंगे वो है हमारा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इन लिक्विड मटेरियल्स। द्रवों में वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। अभी हमने जस्ट सॉलिड मटेरियल्स को काइनेटिक एनर्जी के थ्रू किसमें कन्वर्ट किया, लिक्विड स्टेट में। अब हम इस लिक्विड मटेरियल्स के लेटेंट हीट को देखेंगे जो कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के नाम से जाना जाता है। डियर स्टूडेंट, फिर हम एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं। ये हमारा बीकर है, इसमें हम कुछ लिक्विड पार्टिकल्स वाटर को ले लिए। ये हमारा लिक्विड्स है, ये हमारा लिक्विड्स मटेरियल है। इसमें भी पिछले एक्सपेरिमेंट की तरह एक थर्मोमीटर लगाएंगे। ये आपका थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर। डियर स्टूडेंट, हम फिर अब इसके स्टेट्स को बदलने के लिए जा रहे हैं और फिर इसके थ्रू देखेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसमें हम देखते हैं कि जैसे ही हम लिक्विड्स को रिक्वायर्ड टेम्परेचर डालना शुरू कर दिए, जिस टेम्परेचर पर इसके बीच के जो पार्टिकल के बीच में जो मॉलिकुलर अट्रैक्शन है वो कमजोर होना चाहिए। तो जब हम रिक्वायर्ड टेम्परेचर डालेंगे, टेम्परेचर डालते जाएंगे, एक ऐसी स्थिति आएगी जब ये खोलना या उबलना क्या कर देता है, शुरू कर देता है। तो प्रायः हम ऐसा ही जानते हैं, द टेम्परेचर एट व्हिच लिक्विड्स कन्वर्टेड स्टेट इनटू गैसियस मटेरियल्स इज रेफर्ड एज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट मटेरियल। तो ये इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सी माना जाता है, जो कि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक जिसको कहते हैं। जैसे ही ये लिक्विड मटेरियल्स 100 डिग्री सी के टेम्परेचर को फॉलो करेगा, सहसा ये इसके बीच का जो मॉलिकुलर बॉन्डेशन है, मॉलिकुलर अट्रैक्शन एमंगस्ट द पार्टिकल्स वो बेहद कमजोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेहद कमजोर। हर एक पार्टिकल टूटना क्या कर देगा, शुरू कर देगा, और ये टूटने के बाद कन्वर्ट कर जाता है वेपराइजिंग स्टेट में। मींस हम यहां इसकी स्थिति को देख रहे हैं, एक टूटा हुआ तो है, लूजली पैक्ड है, लेकिन जो गैसेस स्टेट का जो मोमेंट है पार्टिकल का, उस तरह का मोमेंट लिक्विड पार्टिकल्स में नहीं होता है। डियर स्टूडेंट, जब ये रिक्वायर्ड टेम्परेचर लेगा लिक्विड मटेरियल, जैसे ही 100 डिग्री सी के लिमिटेशन को छुआ,
ये उबलना या खोलना क्या कर देता है, शुरू कर देता है। आश्चर्य, तब भी आपका थर्मोमीटर कितना डिग्री टेम्परेचर शो करेगा, 100°C। और ये जल खोलना क्या कर देगा, शुरू कर देगा। और भी थोड़ा हम काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएंगे, जैसे ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएंगे, इसके सारे के सारे मॉलिक्यूल टूट करके, टिनिएस्ट मॉलिक्यूल्स में टूट करके अपने स्वरूप या स्टेट को क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। और ये स्टेट चेंज होकर के गैसियस स्टेट में बदल जाता है। किस स्टेट में? गैसियस स्टेट। अब रही बात, टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट एट 100°C, तो फिर ये सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी गया कहां? तो ये सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी जो हीट रूप में है, टेम्परेचर रूप में है, इसके मॉलिकुलर अट्रैक्शन को तोड़ने में खर्च हो गया। क्योंकि हम तो हीट दे रहे हैं, हीट देने के बावजूद उसका टेम्परेचर बढ़ना चाहिए था, लेकिन वो टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है, बल्कि रिमेन कॉन्स्टेंट एट 100°C। लेकिन हमने एक स्थिति देखा जो ये लिक्विड किस मोड में बदल जाता है, तो गैसियस मोड में बदल जाता है। डियर स्टूडेंट, आपने आपने टेम्परेचर जो रिक्वायर्ड था उसको दिया, लेकिन फिर भी आपका कॉन्स्टेंट टेम्परेचर शो कर रहा है 100°C। लेकिन यहाँ एक स्थिति बन रही है कि आपका जो मैटर है, स्टेट्स ऑफ मैटर है, जो कि लिक्विड है, वो किस में कन्वर्ट कर जाता है, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर जाता है। तो सारा का सारा हमारा काइनेटिक एनर्जी कहाँ खर्चा हो गया, तो इसके मॉलिक्यूल्स, इसके मॉलिक्यूलर बाउंडेशन को तोड़ने में खर्चा हुआ। डियर स्टूडेंट, यही जो गुप्त है ऊष्मा जो हमें दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि दिखना तो यहाँ चाहिए था। जैसे ही हम इसको हीट दिए, टेम्परेचर डाल रहे हैं, तो इसको खोलना चाहिए था बहुत तीव्र गति से, और टेम्परेचर कुछ अप एंड डाउन होना चाहिए था, सो नहीं हो रहा है, वो फिक्स्ड है आपका 100°C पर। तो फिर ये हमने जो हीट इसको प्रदान किया, वो हीट गया कहाँ? तो वो सारा का सारा हीट इसके बीच का जो अट्रैक्शन है, एक दूसरे के बीच में जो बाउंडेशन है, इस बाउंडेशन को तोड़ने में क्या हो जाता है, खर्चा हो जाता है। और यही जो हीट खर्च हुआ, वही हीट लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इन लिक्विड मटेरियल्स कहा जाता है। चलें अब हम इसको डेफिनेशन के रूप में देखेंगे, जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg of liquid materials into gaseous materials at its boiling point, जो कि 100°C माना जाता है, boiling point is termed as latent heat of vaporization. The amount of heat required to convert 1 kg of liquid materials, 1 kg of liquid materials into its gaseous materials at its boiling point. तो यहां आपका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100°C है। इज टर्म्ड एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और इसे ही वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। डियर स्टूडेंट, हम अब नेक्स्ट वीडियो में सब्लिमेशन, इवापोरेशन, इफेक्ट्स ऑफ इवापोरेशन, बहुत सारे रीजंस के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।